बंदूक की आवाज के साथ रेस शुरू होती है और ये लीड लेते हुए घोड़ेश्वर आगे बढ़ते हैं। जनता बहुत ही रोमांचक मूड में है और घोड़ेश्वर भी अच्छे मूड में लग रहे हैं। बाकी घोड़ों को पछाड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। लगता है वो ये रेस जीत जाएंगे। कम ऑन घोड़ेश्वर, तुम जीत सकते हो, कम ऑन। सबसे तेज है। ये टिक 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 की जगह थर थर की आवाज क्यों आ रही है? ऊपर देख, तेरा बोर्ड मुझे लग रहा है। सॉरी। अरे यार, चुपचाप रेस देखो। ओए गुरु, बैंक में पैसा जमा किया तो सूद मिलेगा, घर में मेहमान आए हैं, थोड़ा दूध मिलेगा। ठोको ताली। ओए क्या घोड़ा है? ओए गुरु, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ओए खन्ना साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, दूध चोरी कर रहे हैं। बोल दिया होता, हम कौन सा आपकी बात नहीं सुनते। ओए गुरु, सुन ही तो नहीं रहे थे? जितने ध्यान से तुम लोग टीवी देख रहे थे, उतने ध्यान से मैं पढ़ाई करता तो आईपीएस बन जाता। ओए, अरे घोड़ेश्वर, ट्यूजडे को लेग्स मारूंगा, वेडनेसडे को चेस्ट। जिसकी रेस देख रहे हो वही है मेरा गेस्ट, घोड़ेश्वर द घोड़ा। अरे बाबू, जिंदगी झंडवा, मुर्गी देती अंडवा, समर में गर्मी, विंटर में ठंड वा, और ठंड हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते बाबू। तुमको एक बात बताएं? हाँ। छोड़ो, अभी मूड नहीं है बाबू। मूड क्यों बदल गया? वो भी बताने का मूड नहीं है बाबू। बाबू इधर आके हम बिल्कुल भिसक गए, चिसक गए, सिसक गए। पैसेंजर आया, हम सीट से थोड़ा खिसक गए। हम है रोशन त्रिपाठी। लेकिन आपका नाम तो घोड़ेश्वर है ना? पता है, लेकिन रोशन बताने का मूड किया बाबू। अरे यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं घोड़ेश्वर के सामने खड़ा हूँ। हनी चुमटी काट। अब भी लो छोटे भाई, ये रियल है, रियल है। ओए गुरु, ये मेरा दोस्त घोड़ेश्वर है, फर्स्ट आता है इसलिए थोड़ा मूडी हो गया है। तुरंत मूड बदल जाता है, किचन में जाके कपड़े धुलने लगता है, थिएटर में जाके मोबाइल में गेम खेलने लगता है। ये दोस्ती भी किसी और से करने गया था, मूड बदला फिर आपसे कर लिया। हरे रंग के कौवा बाबू, कुर्सी में बैठो। सॉरी बाबू, हमारा पैर हटाने का मूड हो गया था। जिंदगी झंडवा, हमारे दोस्त को कुछ बोले तो मारेंगे डंडवा। देखा, अगर इसका मूड ठीक नहीं हुआ तो ये कल के फाइनल में भी नहीं दौड़ेगा। ये जो जो कहेंगे हम वो करेंगे, ताकि हमारा हीरो कल की रेस जीत जाए। बाबू ये मोबाइल लो, एसी चालू कर दो। मोबाइल से एसी चालू करूं? अरे दोनों अलग अलग बातें हैं बाबू। एक सेकंड पहले मोबाइल चलाने का मन किया था। हमारे लिए चाय ले आओ बाबू। ये लीजिए कॉफी, आपका मूड बदल गया होगा ना? बाबू हमको बेवकूफ समझा है क्या? कॉफी नहीं पीना है। ये लीजिए चाय। पूरा तो सुन लिया करो बाबू, कॉफी नहीं, हमको जूस पीना था बाबू। बाबू हमारी बात को तुम झटक दिए, पटक दिए, डांस फ्लोर पे मटक दिए, मुर्गा मांगे तुम बतक दिए बाबू। बताइए आपका क्या करने का मूड है? हॉकी खेलने का मूड है बाबू। चलो हॉकी खेलेंगे। अरे जब चांद पे जाने का मूड है तो हॉकी की ड्रेस क्यों पहन लिए बाबू? चलो चांद पर चलें। अब तो शहर में गाड़ी चलाने का मूड है बाबू। इससे पहले के मूड बदले, घसीट के ले चलो इनको। ओए तुम सब जाओ, मुझे अर्जेंटली सोना है। हमारा फास्ट चलाने का मूड कर रहा है बाबू। है?
गाड़ी क्यों रोक दी? मूड किया बाबू गाड़ी रोकने का, नहीं बताने का मूड किया कि सीट बेल्ट लगा लो, हमारा खाई में कुदाने का मन है बाबू। नहीं इसे कल रेस में देखने की हमारी ख्वाहिश कहीं हमें हॉस्पिटल न भेज दे। अब हम धीरे ही चलाएंगे लेकिन पीछे मुंह करके। गणेश्वर आगे देखो, आगे देखो। बाबू मूड नहीं है। अरे ये वाइपर बंद करो। वो देखो वो रहा। बाबू चना हमारा फेवरेट है, इसको देख के बॉडी में झुरझुरी सी होती है, फुरफुरी सी होती है, चना पकाओ तो कुरकुरी सी होती है बाबू। मुझे या बच्चों का डायपर हर दो मिनट में बदलता है, कोई इनके साथ ऐसा करे तो। वानी क्या आइडिया दिया है। थैंक यू छोटे भाई, लेकिन डायपर उतना अच्छा आइडिया भी नहीं है। अरे ये नहीं, इनके साथ भी वही करते हैं ताकि इन्हें समझ में आ जाए कि मूड बदलता है तो कितने लोगों पर असर होता है। सब सुनो। बाबू दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी हमारा आंख बंद करके चलने का मूड था। मेरा गुब्बारा फेंकने का मूड है। अरे तुमने तो गुब्बारा बोला था बाबू। सॉरी मेरा मूड बदल गया, आपके साथ रहकर हम भी आपके जैसे मूडी हो गए हैं। आपको आइसक्रीम खाने का मूड है? हाँ बाबू। सॉरी मेरा देने का मूड नहीं है। मेरा इनके कानों से खेलने का मूड है। अरे मेरा टांगों से। मेरा तो गुदगुदी करने का मूड है। अरे अरे बाबू। अरे गुदगुदी मत कर। अरे बाबू अरे तुम्हारा मूड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? मूड चेंज ना करना भी एक मूड है। ये तो गलत बात है बाबू, तुम्हारा मूड करेगा तो तुम कुछ भी करोगे क्या? बिल्कुल आप भी तो यही करते हैं, आपके मूड की वजह से हमें भी इतनी प्रॉब्लम हुई, और तो और आपको रेस में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बाबू क्या समझाए, बाबू एकदम आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के हो गए, एकदम अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास तरीके समझाए बाबू। अब से हम सिर्फ मूड की नहीं लोगों की भी सुनेंगे, हम कल की रेस में जरूर जाएंगे बाबू जरूर। दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह है, बंदूक की आवाज के साथ रेस शुरू होती है। घोड़ेश्वर बाकी घोड़ों को पछाड़ते हुए और वो ये रेस जीत गए, और इसी के साथ घोड़ेश्वर ने ये साबित कर लिया कि वो सबसे तेज है।